रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रखते होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर मैथ, सो हरी ली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 39। ईच चाइल्ड स्कोर्स इन द टोटल ऑफ द नंबर्स गिवन बाय द टू शीट दे होल्ड। हर एक ने, ये देखें, शीट होल्ड की हुई है, इतने उन्होंने अपने अपने नंबर होल्ड किए हैं, स्कोर किए हैं, आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। विच चाइल्ड हैज़ अ लोएस्ट स्कोर, पहले आप इसको ऐड करेंगे 24 को 23 में, आप ऐसे रख के ऐड करेंगे 24 23, 4 में 3 ऐड किए तो 7, 2 में 4 ऐड किए तो 4, 45 और 25 को इसके ऐड करेंगे आप, 5 से 10, 1 कैरी किया 6 और 7, 70, 50 प्लस 23 को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 और 7। अभी देखें जी, ये वाला क्वेश्चन तभी आप कर सकेंगे जब आपने यहाँ पे एडिशन करनी है, तीनों क्वेश्चन की आपने एडिशन करनी है। आमिर के स्कोर इतने लिखने हैं, 23 में 24 ऐड किए, 45 में 25, 50 में 23, तीनों क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करेंगे फिर नीचे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप विच चाइल्ड हैज़ अ लोएस्ट स्कोर, सबसे कम किसके बने हैं जी, हाँ सबसे नालायक बने हैं जी आमिर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आमिर, ए आमिर हो गया। विच चाइल्ड हैज़ अ हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा किसके बने हैं जी, मजीद के, एम ए जे डबल ई डी, मजीद के 73 बने हैं। उसके बाद हु स्कोर इज़ नियरेस्ट टू मजीद, सबसे नज़दीक किसके बन रहे हैं, आलिया के, क्योंकि आलिया 70 पे है, ए एल आई वाई ए, ठीक है, आलिया, ये आलिया होगी। आमिर इज शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय, अमर के किससे 50 मार्क्स कम है, आमिर इज शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय, ये क्या हो गया, 50 मार्क्स बाय मजीद। व्हाट इज आलिया स्कोर, आलिया के स्कोर कितने बने हैं, 70। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ 10 मार्क्स आमिर, आलिया एंड मजीद। अब एंड में आपने क्या करना है, 43, 70 और 73 को आपने खुद से ऐड करना है, 47, 70 और 73 को खुद से आप ऐड करके आप यहाँ पे लिखेंगे। उन्होंने बोला है कि तीनों के आप 10 मार्क्स बताएं, ठीक है, यही आज आपका टास्क होगा कि पहले आप इन तीनों को क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनके जो आंसर्स आएंगे उनको भी आपने इधर सॉल्व करना है और उसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।